यार एक मिनट कोरोना ये क्या आप इसको भी बात कर रहे हो यार। शिवाज गिल साहब यार आप शिवाज गिल साहब आपने क्या कहा जनाब? मुझे स्पेशल बुला के कहा क्या आप मेरे से रिश्तेदारी करने चाहते हैं? मेरा सवाल जो आप करने का ये खतरे है। हाउ डेयर यू टॉक टू मी? तहम्मुल रखते होते हैं एक आपने मुझे तहम्मुल नहीं रखा आपने मुझे सब आपने क्यों ऐसा कहा प्लीज आप बताएं जरा। आपका ये रवैया भी मुनासिब नहीं है हमला करना किसी बंदे ये हमला नहीं है भाई साहब हम आपसे पूछ रहे हैं आपने हमला आप हमला कर इसको पकड़ लेंगे मैं सुन रहा हूँ आप उनको कह रहे हैं ये भी है जी ये भी भाईजान है सारे तरीके सब आप बताए आपने ये बात कही है रिश्ते वाली बात आपने कही है आपने मुझे रिश्ते वाली बात क्यों कही आपसे उलझना आपने मुझे रिश्ते वाली बात रिश्ते वाली बात की है नहीं की भाईजान आपने रिश्ते वाली बात की आपसे उलझना नहीं चाहिए आपने मुझे रिश्ते वाली बात क्यों कही मैं आपसे उलझना काफी बात हो गया मैं आपसे उलझना नहीं चाह रहा। अच्छा भाई क्या हुआ जी बताइए जरा क्या हुआ? बुनियादी तौर पे गुजारिश ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना हमारा राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल साहब से ये कहा कि बुनियादी तौर पे एक सोशल मीडिया कंपेन चल रही है और उस कंपेन में यह कहा जा रहा है कि आप गैर मुल्की रेजिडेंट हैं और आपके ऊपर कोई हरासमेंट का केस है आप इनकी तरदीद कर दिए ताकि वो उन सारी बातों का दम टूट जाए और ये तमाम जर्नलिस्ट जो यहाँ मौजूद थे ये मेरी इस बात को एंडोर्स करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई हम बाहर आए उन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे ये कहा कि यार मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए हैं हरासमेंट की जो केस है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप मुझसे रिश्तेदारी करेंगे। इस बात के गवाह वहाँ मौजूद सारे साफी PID के मकबूल समेत तमाम लोग हैं। देखें सवाल करना हमारा हक है बिल्कुल इस तरह स्पेशल बुला के इस तरह का अटैक करना उसके बाद मैंने उन्हें रोका मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जुमला मेरे साथ बोला आप बताएं क्यों बोला और उनका गार्ड मुझे ये कहता कि जी आपने कहा कि हम इनको पकड़ेंगे मैं सुन रहा था गार्ड ने हमला किया आपके ऊपर। बात यह है कि जो सारी वीडियो सारे के सामने है मैंने उनसे रोके कहा कि आप ये बताएं कि आपने ये जुमला किस कैपेसिटी में बोला उसके बाद आप जाके PIO के दफ्तर में छुप गए और अब आप कहते हैं कि मैं उलझना नहीं चाह रहा आप ये बताइए कि साफियों का सवाल करना भी जुर्म है। शहबाज गिल मुर्दाबाद शहबाज गिल मुर्दाबाद शहबाज गिल मुर्दाबाद शहबाज गिल मुर्दाबाद सवाल करना जो इनके मिजाज के मुखालिफ हो तो उसके ऊपर ये लोग ये करते हैं कि आपको पर्सनल अटैक का निशाना बनाए और आप ये बात करें कि जी मेरे ऊपर बजाय आप सवाल का जवाब आपने नहीं दिया हमने कोई रिएक्ट नहीं किया मैं मेरे तमाम जुमले इन कैमरों में महफूज हैं मेरा किसी से कोई जाती बात नहीं है बात असूल किया सवाल करना मेरा हक है लेकिन इस तरह जाती ह्यूमिलेशन जो है वो किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है और इस फोरम इस बात को मैं अपनी हैसियत के मुताबिक हर फोरम पर उठाऊंगा।